हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका स्पीच बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ की चाय। सर्दियों में अक्सर गुड़ की चाय बनाई जाती है, पर सबसे बड़ी परेशानी होती है गुड़ की चाय अक्सर फट जाया करती है, तो थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ता है इसमें। तो देख लेते हैं गुड़ की चाय बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 कप चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ सामान लिया है। 1 कप दूध लिया है, 1.5 कप पानी लिया है, 1/2 कप इतना पानी चाय बनाने में स्टीम बन के उड़ जाता है, 50 ग्राम इतना गुड़ लिया है। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा सा अदरक लिया है, 2 कुटी हुई हरी इलायची है, 2 चम्मच चाय पत्ती, 1 पिंच नमक। गैस ऑन करेंगे, एक पैन ले लेंगे, 1.5 कप पानी डाल लेंगे, उबलने के लिए रखेंगे इसको। एक दूसरा बर्तन ले लेंगे, दूध रख लेंगे इसमें, गैस की दूसरी तरफ इसको रख लेंगे गर्म होने के लिए। पानी में उबाल आने लग गया है, कुटी हुई इलायची डाल लेंगे, अदरक, चाय पत्ती, गुड़, नमक। गैस को स्लो पे कर लेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। चाय हमारा अच्छे से पक गया है, गैस को ऑफ कर लेंगे और 15 से 20 सेकेंड इसको ठंडा होने देंगे, हल्का सा इसका स्टीम निकल जाने देंगे। दूध रख लेंगे इसमें, काफी अच्छा कलर आया है चाय का, चाय छान लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं फटा है दूध। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।